यदि आप वीडियो एडिटर हैं तो मोनार्च कंपनी से अच्छे तरीके से परिचित होंगे। मुझे बताने की जरूरत नहीं कि मोनार्च कंपनी किस तरह से हमारे लिए अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट लाती है और अच्छे अच्छे हमें जो है शॉर्टकट्स देती है कि भैया हमें जो मैनुअल चीज़ बनाने में दो दो तीन तीन दिन लग जाते हैं वो हमें 5 मिनट में क्रिएट करके देती है और बिल्कुल लगता है कि भैया सडनली बनाया, बीट के ऊपर काम करके हमें बहुत अच्छे सॉन्ग प्रोवाइड करती है। तो हम मोनार्च कंपनी के स्टॉल पर आए हैं, यहाँ देख लेते हैं कौन सा नया वर्जन आया और किस तरह से हमें जो सुविधा मिल रही है आज की और कुछ एक्स्ट्रा दिन के साथ में आपको मिल जाएगी। सर कुछ बताएंगे सर स्पेशल? यस स्पेशली ये प्रोडक्ट की जानकारी मैं आपको डिटेल में देता हूँ कि ये प्रोडक्ट अभी आप देखोगे तो मोनार्च ने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया हुआ है 9.0 वर्जन, जिसके अंदर आप इंस्टेंटली हाईलाइट, टीजर, प्री वेडिंग के साथ में अभी जो लेटेस्ट प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो मार्केट में भी ट्रेंड चल रहा है, जैसे रील के प्रोजेक्ट्स है या हाईलाइट्स बनाना है, टीजर बनाना है, उसको बनाने के लिए आप देखोगे तो हर दुनिया भर के सॉफ्टवेयर के अंदर काफ़ी टाइम और काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो हम लोगों ने ये स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है जिसके अंदर आप हाईलाइट, टीजर, प्री वेडिंग कोई भी नॉन टेक्निकल बंदा ये प्रोडक्ट को आसानी से चला सकता है और मिनटों में हाईलाइट, टीजर, प्री वेडिंग बना के अपने क्लाइंट को डिलीवरी कर सकता है। ये सॉफ्टवेयर का खास बात और क्या है कि अभी जो नया ट्रेंड चल रहा है, नया ट्रेंड बोले तो आप सुबह शादी होती है, शाम को रिसेप्शन होता है और रिसेप्शन में सेम डे आपको एडिट करके अपने LED पे प्ले करके देना पड़ता है। तो ये बेसिकली हाईलाइट, टीजर, प्री वेडिंग बनाना है तो अदर सॉफ्टवेयर में 1 दिन 2 दिन से भी ज़्यादा टाइम लगे जाता है। तो ये सॉफ्टवेयर में खास बात क्या है कि ये सॉफ्टवेयर में कोई भी नॉन टेक्निकल बंदा सेम डे शूट, सेम डे एडिट करके LED पे प्ले करके आप हाईलाइट, टीजर, प्री वेडिंग मिनटों में बना सकते हो। इसके अंदर हजारों प्रोजेक्ट रेडी है, प्लस इसका ट्रेनिंग सर्विस सपोर्ट हमारा डेली चलते रहता है, आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हो। जितने भी मेंबर आप देख रहे हो अभी जूम पे या जो भी हम लोग यूट्यूब चैनल पर देखोगे तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि हमारा 2 से 4 हमारा डेली वर्कशॉप चलता है जूम के ऊपर, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ट्रेनिंग वर्कशॉप भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है। आपके घर के मेंबर, आपके फैमिली के कोई भी मेंबर जुड़ना चाहते हैं और हमारा प्रोडक्ट परचेस करना चाहते हैं या कुछ सीखना चाहते हैं तो वो मेंबर भी हमारे यूट्यूब चैनल के जूम के ऊपर आप ज्वाइन कर सकते हो। ट्रेनिंग भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, ट्रेनिंग का कोई चार्ज देना नहीं है। ट्रेनिंग लेकर आप सीख सकते हो, प्रोडक्ट ले सकते हो, ले सकते हो और हमारे प्रोडक्ट पे आप काम करके अपने क्लाइंट को फास्ट डिलीवरी कर सकते हो। ये प्रोडक्ट का खास बात है जिससे आप अपना काम फास्ट निकल के अपने क्लाइंट को फास्ट डिलीवरी करवा सकते हो। तो ये काफ़ी है, काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है। अगर आपको ये प्रोडक्ट देखना है तो नीमच फोटो फेयर में अभी आज लास्ट दिन है तो इसमें कुछ स्पेशल ऑफर भी है, आप प्रोडक्ट देखिएगा, कुछ पसंद आता है तो आप प्रोडक्ट भी डेफिनेटली परचेस कर सकते हो। और आपको जो ट्रेनिंग सर्विस सपोर्ट है तो हमारे ट्रेनिंग सर्विस सपोर्ट के लिए भी आप देखोगे तो हमारे इंदौर और भोपाल में भी हमारे नया शोरूम खुल चुके हैं तो वहाँ से भी आप ट्रेनिंग सर्विस सपोर्ट ले सकते हो और प्रोडक्ट परचेस कर सकते हो। तो मैं इतने के होगा राइट नाउ, थैंक यू सो मच। जैसा कि दोस्तों मैंने बताया कि भैया मोनार्च कंपनी हमें कितने जल्दी और इन्हें अच्छा इतना सॉल्यूशन दिया कि आप कई बार देखते होंगे सेम डे एडिट आप समझ सकते हैं कि भैया जब आप शूट करते हैं तो आपको शूट करने में कितना टाइम लगता है, उसमें क्लिपिंग छाटने में कितना टाइम लगता है, कितना अच्छा आउटपुट निकालने में टाइम लगता है। तो मोनार्च ने आपको बताया कि सेम डे जो बनता है एडिटर के साथ में जो हमें शाम को LED वाल पर बताना पड़ता है हमारा परफॉर्मेंस, तो वो तभी कर पाएंगे आप जब मोनार्च कंपनी के साथ में जुड़ेंगे। इनका कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑल इंडिया में कहीं पर भी हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, इनकी ब्रांचेस जो है हर एक जिले में है, हर एक शहर में है, तो आप आसानी से उनको कॉन्टैक्ट करके नया वर्जन ले सकते हैं। जैसे कि अभी बताया कि स्मार्ट कर प्रो का 9.0 नया वर्जन आ गया, इसमें सारे नए नए सॉन्ग है जो कि अभी के लेटेस्ट अपडेट है जो आपको 1 साल तक आराम से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद ये हर एक समय के साथ साथ अपडेट होते रहते हैं और नए नए प्रोजेक्ट आते रहते हैं। मैं खुद मोनार्च का यूज़र हूँ इसलिए आपको इतनी अच्छी जानकारी दे रहा हूँ और सर ने जो जानकारी दी हमें उसका आप सॉल्यूशन 100% मिल ही गया होगा। तो दोस्तों चलिए अगले स्टोर पर चलते हैं और आपके लिए नई सुविधा ढूंढते हैं। मोनार्च कंपनी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।
बताएंगे कि भैया ये किस तरह से हमें सुविधा देते हैं कि भैया इनके पास आकर हम डील करें या किसी भी तरह की सुविधा जो है स्पेशल वो हमें दें। नीरज सर बताएं। हमारे पास जैसे पुराने कैमरे हैं वो भी अवेलेबल हो जाएंगे, नए कैमरे हैं बॉक्सिंग पैक में वो भी सारे अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है, जो जैसा कस्टमर का बजट है उस हिसाब से सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएगी। तो सब डीलिंग करते हैं लेकिन अपने यहाँ पर क्या स्पेशल चीज़ मिल जाएगी, जैसे कि बहुत से फोटोग्राफरों को असुविधा आती है कि भैया हमारा मेमोरी कार्ड खराब हो गया कंपनी का, तो अब हमें मेमोरी कार्ड दूसरा लेना है। ये कंपनी की बैटरी एक कैमरे के साथ में मिलती है और फिर बाद में कंपनी की बैटरी नहीं मिलती तो वो भी आप प्रोवाइड कर जाते हैं? हाथों हाथ हो जाता है उसमें। तो कहने का मतलब ये है कि भैया कुल मिला के छोटी से छोटी एक्सेसरीज से लेकर बड़े से बड़े बॉक्स पैक कैमरा जो है वो आपको उपलब्ध करा देंगे। अच्छा, इसमें ब्रांड की अगर कमी आती है जैसे लोगों को कि भैया कहीं कहीं शोरूम पर कैनन कंपनी के तो कैनन कंपनी के ही मिलेंगे, निकोन कंपनी का तो निकोन ही मिलेगा? हमारे यहाँ सारी कंपनियों के माल अवेलेबल है, सोनी, निकोन, कैनन, फुजीफिल्म, पैनासोनिक, सारी चीज़ें, सारी कंपनी के कैमरे आपको एक ही शॉप पर मिल जाएंगे। यदि आप इंटरेस्ट रखते हैं, जैसे कि आपका सबका एक पर्सनल होता है कि भाई हम कैनन लवर हैं, हम निकोन लवर हैं, तो ये हर कंपनी को डील करते हैं, कोई सी कंपनी का आपको कैमरा जो चाहिएगा तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा शर्मा आर्टिस्ट। हमारे पास स्टॉक की कभी कोई दिक्कत नहीं आती है, जो माल है स्टॉक की भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी सुविधा। यदि आप कॉल करके आते हैं तो आपको हाथों हाथ आपको कैमरा अवेलेबल हो जाएंगे और आप अपनी सुविधा जो आराम से ले सकते हैं, आपको किसी अन्य शोरूम पर जाने की असुविधा नहीं होगी और आपको हाथों हाथ कैमरे मिल जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। दोस्तों, वेडिंग फोटोग्राफरों के लिए एक बहुत अच्छी सेल्फी जोन में बहुत ज़्यादा अच्छी क्रिएशन आ चुकी हैं हमारे सामने कि भैया कोई कैसे सेट लगा रहा है, कोई कैसे सेट लगा रहा है। तो एक बहुत अच्छा सेट हमें आज फोटोफर में मिला है कि भैया आप सेल्फी जोन पर जा सकते हैं और बूथ पर आप फोटो क्लिक करवा सकते हैं कैमरे के माध्यम से, कोई मोबाइल से नहीं, कैमरा आपकी सेल्फी लेगा, कैमरा सामने है, आप स्क्रीन टच पे कीजिए, स्क्रीन को टच कीजिए, आपका फोटो आ जाएगा और उसके साथ साथ में आपको PNG फाइल भी एक अपलोड मिलती है जिसमें आप आपका पूरा डिटेल डाल सकते हैं। जैसे किसी का फंक्शन हो कि भैया कि तो उसका एक PNG फाइल बना देंगे जो कि उसका डेमो मैं आपको बताऊंगा और उसके साथ में इसमें दिखेगा हमें कि किस तरह से फोटो लेंगे और फोटो के साथ साथ में उसका जो आई डिटेल आ जाता है कि भैया कहाँ पर फोटो क्लिक किया हुआ है या फिर किसी वेडिंग में क्लिक किया हुआ है तो आप दूल्हा दुल्हन का फोटो डाल सकते हैं उसमें, PNG बनाकर उसके नाम डाल सकते हैं, उनकी शादी की डेट डाल सकते हैं, सेव द डेट डाल सकते हैं। उसी तरह से किसी की ओपनिंग होती है तो ओपनिंग में भी आप दुकान का प्रमोशन कर सकते हैं, उस तरह से आप काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा और आपको फोटो हाथों हाथ मिल जाएगा। लोगों को लगता है फोटो तो ले लिया भैया लेकिन वो फोटो मिलेगा कब हमें, तो यहाँ पर आप ईमेल आईडी डालिए, आपको कोई मोबाइल नंबर भी सेव करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इंटर मारिए, आपके पास हाथों हाथ फोटो आ जाएगा और हाई इमेज हाई क्वालिटी के साथ में आएगा। कैमरा आप जो चाहें वो लगा सकते हैं यहाँ पर, अपना अगर सुविधा है कि भाई फोटोग्राफर चाहता है कि भाई हम अच्छा कैमरा लगा वो भी लगा दे सकते हैं और इसके साथ साथ में वो दूसरे क्राफ्टिंग भी जो है सर रखते हैं, लेकिन जो स्पेशल चीज़ है वो है मशीन है। देखिए जिस तरह से फोटो था अभी कुछ समय पहले, हमने फोटो क्लिक किया था, ये टच किया, पूरा स्क्रीन टच कैमरा है, इतने सारे फोटो क्लिक हो चुके, सारी डिटेलिंग आ चुकी है इसके अंदर और ये अभी हमने कुछ समय पहले फोटो क्लिक किया था, ये फोटो आप सामने देख सकते हैं और इन्होंने इनका जो है एड इसके ऊपर डाल रखा है। यहाँ ईमेल का ऑप्शन है, ईमेल पर आप क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप ईमेल डाल दीजिए, आपके पास फोटो आ जाएगा। इसके बाद यदि आपको और कुछ भी करना है इसके अलावा तो इसके नीचे जो है भैया प्रिंट आउट भी देना है तो प्रिंट आउट भी हाथों हाथ हो जाएगा, मतलब ऑल इन वन भैया इतनी PNG फाइल जो है जो भी बनाएंगे आप, ये जरूरी नहीं है इन्होंने इनका PNG फाइल बना रखा है, जैसे नीमच फोटोफेयर का लगा रखा है, इनका एड्रेस इन्होंने डाल रखा है, जलस फोटो स्टूडियो से हैं तो इन्होंने ये डाल रखा है, जो बैकग्राउंड मतलब क्रिएशन आप किसी भी तरह के कर सकते हो, बहुत ज़्यादा अच्छी सुविधा है, मुझे नई यूनिक चीज़ लगी इसलिए मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। आप इस चीज़ को रेंट पर भी लगवा सकते हैं और आपको अगर खरीदना और आपके कहीं शहर में इसकी रिक्वायरमेंट है तो आप नया खरीद के भी आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। वो बहुत सारे फोटोग्राफर होते हैं जो अपनी फोटोग्राफी से हताश हो जाते हैं, वो फोटोग्राफी फील्ड में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है कि भैया आप इसको भी लेकर आपके फोटोग्राफी फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। मनीष जी भी और कुछ बताएंगे कि भैया मशीन के बारे में और क्या जानकारी है और किस तरह से इसकी सुविधा ले सकते हैं। हाँ मनीष जी। जी, मेरा नाम मनीष लोहार है और मेरा स्टूडियो का नाम है जलज स्टूडियो, सीतामो से हूँ। दोस्तों, फोटोग्राफर के लिए बहुत अच्छी सुविधा है कि भैया हर एक फोटोग्राफर बताता है कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छा फोटोग्राफी करता हूँ, तो आपको यहाँ पर आकर आपकी फोटोग्राफी बताने का बहुत अच्छा सुनहरा मौका मिलता है क्योंकि यहाँ पर आपको मिलती है मॉडल्स, एक से एक मॉडल आती है, 8 से 10 मॉडल यहाँ पर रैम वॉक करेगी और अपने अपने अच्छे अच्छे पोज देगी, तो उस पोज के साथ में सारे फोटोग्राफर जो हैं यहाँ आसपास बैठे रहते हैं और क्लिक करते हैं, जिसका ज़्यादा अच्छा बेस्ट पिक आता है वो
अपना सोशल मीडिया पर शेयर करता है, फोटो क्लिक कर अपना टैलेंट एक दूसरे के साथ शेयर करने का बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। यहाँ पर आकर आप बता सकते हैं आपकी फोटोग्राफी कितनी अच्छी हो सकती है। तो रेमवॉक के लिए और जो आपका अच्छा अगर आउटपुट मिलता है फोटोग्राफी में, तो आप यहाँ पर आकर डिस्प्ले पर बता सकते हैं। यहाँ पर अगर आप अच्छे सिनेमेटोग्राफर हैं तो आकर आप हर तरह की सिनेमेटोग्राफी क्लिप्स बनाकर यहाँ पर लगा सकते हैं। यदि आपने अच्छा काम किया है और आप अच्छे फोटोग्राफर हैं, अच्छे सिनेमेटोग्राफर हैं, अच्छे वीडियोग्राफर हैं, तो आप यहाँ पर आकर अपना टैलेंट बताएं। कुछ ना कुछ इनाम चलते रहते हैं, कुछ ना कुछ ऑफर चलते रहते हैं कि जिसकी फोटोग्राफी बहुत ज़्यादा अच्छी बेस्ट फोटो आया है उसको एक पर्सनली रूपम फोटो उत्सव की तरफ से गिफ्ट मिलता है। तो दोस्तों बहुत अच्छा सुनहरा मौका है, फोटो फेयर में जरूर आइएगा और हर तरह के लाभ जो है उठाइएगा। कैनन शोरूम पर हम पहुंच गए और तो कैनन कंपनी ने हमारे लिए क्या सुविधा लाई और किस तरह का कैमरा जो अभी ब्रांड में चल रहा है नया, क्योंकि हर एक कंपनी जो है एक साल में नया नया अपडेट लाती है और नया नया कैमरा लाती है, तो हमारे लिए उचित है कि नहीं और उसकी प्राइस क्या है और कौन सा कैमरा हम खरीदें। कैनन कंपनी में लोगों को आर कैमरे से थोड़ी सी शिकायत मिली थी कि भैया उसमें ट्रैकिंग पर हमें स्लो मोशन पर नहीं मिलता है। तो हरभजन जी जो कैनन कंपनी से, वो हमें बताएंगे कि किस तरह से आप दूसरे कैमरे के फ़ायदे उठा सकते हो हमारे कैनन कंपनी के साथ में रहकर, और आप कैनन कंपनी में किस तरह से जो है बने रह सकते हैं और आगे से आगे आप अपडेट ले सकते हैं। क्योंकि स्लो मोशन के मामले में सबसे पहले सोनी कंपनी ने हाथ मार लिया था और स्लो मोशन पर ट्रैकिंग हमें दे दी थी, तो कैनन कंपनी का कहीं ना कहीं लोगों ने शिफ्ट कर लिया था और सोनी पर चले गए थे या निकॉन पर चले गए थे। तो कैनन कंपनी की भी कुछ ऐसी सुविधा हैं जो आप तक शायद 6 महीने बाद पहुँचे या साल भर बाद पहुँचे, लेकिन आज आपको हरभजन जी जो है पूरी सुविधा आज ही बता देंगे और आप कैनन कंपनी में टिके रह सकते हैं। हरभजन जी, अभी रिसेंटली कैनन ने 2 क्रॉप सेंसर मॉडल लॉन्च किए हैं। ये जो मॉडल आप यहाँ पर देख रहे हैं आज, ये कैनन का पहला मिररलेस APS-C कैमरा है जो कि RF सीरीज में आया है। इस मॉडल का नाम है US R10। इसका नाम है। ये एक APS-C सीरीज़ का कैमरा है, जैसे कि आप 80D का नाम आपने सुना होगा, ये उस रेंज का या उस लेवल का कैमरा है। इसका MRP प्राइस है बॉडी का 80,995। इसमें 2 डेटा ऑप्शन आते हैं, एक 1845 जो कि 90,995 का है, और एक आता है 1850 जो कि है 117,995। इसमें आपको 4K वीडियो दिया हुआ है, 4K 60p, 4K 30p। इसमें स्लो मोशन में फुल HD ऑटो फोकस के साथ, आई ऑटो फोकस के साथ फोकस दिया हुआ है। इसमें फेस डिटेक्शन, हेड डिटेक्शन, बॉडी डिटेक्शन, 4 तरह के फोकस दिए हैं, एनिमल आई ऑटो फोकस, एनिमल फेस डिटेक्शन, एनिमल हेड डिटेक्शन दिया हुआ है। व्हीकल में मोटर बाइक और कार की भी ऑटो फोकस कर सकता है ये। इसका स्क्रीन फ्लिपेबल है और कैनन का एक खास फीचर है जो इसमें व्यू फाइंडर के अंदर देखते हुए स्क्रीन पर अगर आप टच करेंगे तो टच एंड ट्रैक फोकस करता है। मेगापिक्सल इसमें 24 मेगापिक्सल है। फोटो और वीडियो के लिए सफिशिएंट है। हाँ, ये फोटो वीडियो सिनेमेटिक ब्लॉगिंग ऑलराउंडर किसी भी काम में यूज़ किया जा सकता है। LCD मिलेगा 360 जो कि ब्लॉगिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और काम आता है। इसमें जॉयस्टिक भी दिया हुआ है। मेमोरी कार्ड का स्लॉट इसमें सिंगल स्लॉट है। फोटो क्लिक में किस तरह जितना है ऑप्शन है इसके, कितने शटर मिलते हैं हमको फोटो क्लिक में। इसमें पैनोरामा मोड आया है DSLR में, जिसमें कि अब बड़े ग्रुप फोटो या वाइड शॉट लेना है सीनरी का वो आप ले सकते हो, और वो फुल 24 मेगापिक्सल पे बनता है जो कि आपको CN मोड में मिलेगा। ये एक पैनिंग मोड है बाइक के लिए और ये पैनोरामा मोड। इसमें आपको किधर से साइड से बनाना है, पहले साइड सेलेक्ट कर लीजिए, ये लेफ्ट है। अब इसमें सिर्फ बटन दबाना है और ये 24 मेगापिक्सल के फ़ोटो लेते जाएगा। ये 200 फोटो तक ले सकता है कंटिन्यूस, अभी इसमें देखो और छोड़ेंगे तो रिज़ल्ट सामने आ जाएगा।
बहुत अच्छी सुविधा है कैमरे की, इसको आप कितना भी जूम करो कहीं से भी ख़राब नहीं। दोस्तों कैनन कंपनी का R7 कैमरा बहुत ही ज़्यादा बेस्ट मुझे लगा है R10 से। यदि आपका बजट थोड़ा ज़्यादा है तो आप R7 पर जा सकते हैं, और इसका बजट प्राइस है 1,30,000 रुपये। बहुत अच्छी सुविधा मिल रही है, 18-150 का लेंस इसके साथ में आपको मिलता है STM, और साथ ही साथ में आपको इसमें मेमोरी कार्ड के 2 स्लॉट मिलते हैं। बैटरी की बात की जाए तो आपको R10 से ज़्यादा अच्छी बैटरी मिलेगी, जो कि हम हमेशा से बड़ी वाली बैटरी यूज़ करते हैं जिसका बैकअप बहुत ज़्यादा आता है। आप एक्स्ट्रा बैटरी भी लगा के यूज़ कर सकते हैं, 4K डेफिनेटली आपको शूट करके देगा और स्लो मोशन भी आपको शूट करके देगा। साथ ही साथ इसमें का मेगापिक्सल जो है 32 मेगापिक्सल है, और बहुत ज़्यादा अच्छी सुविधा है क्योंकि भैया इसमें स्क्रीन जो है हमें 360 मिल रहा है, किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। मेरे लिए कैमरे की सारी सुविधा आपको इसमें मिल सकती है। तो दो बेस्ट ऑप्शन, यदि आपका बजट कम है तो आप क्रॉप सेंसर R10 में जा सकते हैं, फुल फ्रेम सेंसर में R7 पर आप जा सकते हैं। दो ऑप्शन आपके पास साथ R10 एंड R7, तो यदि आपका बजट थोड़ा अच्छा है तो आप R7 तक जा सकते हैं। बजट कैमरा और सब सुविधा आपको कैनन कैमरा देगा। इसमें आपको 18-150 के लेंस के साथ साथ आप दूसरे लेंस भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इसमें 85mm लगा हुआ है, तो आपको इसको भी यूज़ कर लेना चाहिए और बहुत अच्छी सुविधा आपको निकाल लेना चाहिए। कैनन कंपनी हमेशा से बेस्ट रही है मेरे मायने में, क्योंकि मैं भी कैनन कंपनी को यूज़ कर रहा हूँ। यदि आप एक कोई काम करते हैं, सिंगल कोई काम करते हैं, तो आपके लिए सिंगल कोई कैमरा होगा, लेकिन कैनन कंपनी में आपको वीडियो फोटो ऑलराउंडर दोनों ही पर्पज़ पर आपको ये बेस्ट मिलेगा। पेशेंसो का राउंड चालू होने वाला है, फर्स्ट राउंड है ये, इसमें आप अपना टैलेंट बता सकते हैं। जो भाई भी फोटोग्राफी में रुचि रखते हैं और बता रहे हैं मेरी फोटोग्राफी बहुत बेस्ट है, तो आज बहुत सुनहरा मौका है। मॉडल है, एक से एक मॉडल अच्छे अच्छे पोज देगी, लेकिन आपको बताना आपका बेस्ट एंगल, कलर सेटिंग, फोकस, ये कैमरे पे अगर आपको चेक करना है तो तीनों चारों कंपनी के स्टोर लगे हुए हैं, यहाँ से कैमरे आप ले सकते हैं और अपना टैलेंट आप बता सकते हैं और कैमरा भी चेक कर सकते हैं। इससे अच्छा सुनहरा मौका नहीं मिलेगा आपको। हर वक्त फोटोग्राफर का थोड़ा सा ये रहता है कि मेरे पास मॉडल अच्छा नहीं, इसलिए मैं फोटो क्लिक अच्छे नहीं कर पाया, लेकिन यह आपको सुविधा पिछले 6 लोगों के सहयोग से अभी तक सफल रहे हैं, मध्य प्रदेश में अपना नाम, मध्य प्रदेश का पूरे नीमच का नाम चलने लगा है, लोग नीमच फोटोग्राफर को जानने लगे, पहले नीमच नहीं जानते। अभी हमारे बीच में उदयपुर एसोसिएशन के अध्यक्ष महोदय SP साहब आए थे यहाँ, और अपने लिए भी बनाओ कि आप नीमच फोटोग्राफर को सुन के सर हमारे पास आए, छोटे शहर में, बड़े शहर से छोटे शहर में देखा था कि सभी फोटोग्राफर बहुत फ्री हो गए और कड़की आ गई है सबके मन में, क्योंकि फोटोग्राफी डिस्टेंस जो है हमारा 7 महीने चलता है, 4 महीने तक हम जो है फ्री लेते हैं और फिर उसकी तैयारी भी करते हैं। तो मैंने कुछ सोचा लॉकडाउन में क्या है, फोटोग्राफी सिखाई जाए, एक वीडियो डाला, दो वीडियो डाला, रिस्पॉन्स आने लगा, लोगों को लगता कि अच्छा सिखा रहा हूं मैं, तो आज सक्सेसफुल हूं मैं। यूट्यूब पर मेरा चैनल है अजय फोटोग्राफी नाम से, वो सब तो आप वहां जाकर सीख सकते हैं। आपको एक छोटी सी टिप्स दूंगा क्योंकि समय इतना नहीं, यदि आप इस लोकेशन पर हैं और आपके पास एक्सेसरीज नहीं है, आपके पास जो कैमरा है, तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना है तब जाके आपका फोटो अच्छा आया पाएगा। यहाँ पर मॉडल आएगी, सबको अपना अपना टैलेंट बताना है कि कौन फोटो अच्छा खींच सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मायने रखेगा आपका एंगल, कौन से एंगल से आप फोटो खींच रहे हैं, ठीक है। आप जहाँ बैठे वहीं से फोटो खींच लोगे तो आपका फोटो वैसा नहीं आ पाएगा, आप अपना टैलेंट नहीं बता पाएंगे। आप अभी से चूज कर ले आपकी जगह, अगर यहाँ पर रेनबो करेगी मॉडल तो आपका कौन सा एंगल बेस्ट बनेगा, यहाँ से आकर चलने पर उस लोकेशन पर जाकर आप रुक जाइए और वहां से फोटो क्लिक करके आपका फोटो बेस्ट आएगा। और उससे पहले की जो बातें हैं, जैसे कि कैमरे के बारे में बता दूं कि भैया बड़े मॉडल के, छोटे मॉडल के, जितना ज्यादा अच्छा आप रखेंगे उतना ज्यादा अच्छा आपकी फोटोग्राफी आएगी। सिंगल फोकस पर मैं बिलीव करता हूँ, कोई भी कैमरा हो, निकोन हो, कैनन हो, कोई भी हो, आपको सिंगल फोकस पर काम करना चाहिए, तभी आपकी फोटोग्राफी अच्छी आती है। यदि आप ऑटो फोकस पर काम करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि मैनुअल कैमरा चलाते क्यों फिर फोटो आपको, आप ऑटो पर रखते हैं फोकस को, तो मैनुअल फोकस यूज कीजिए और सिंगल पॉइंट पर फोकस यूज कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। कई बार आप ट्राइडल का फोटो देखते होंगे इसे ऊपर करके, तब उसका फेस जो होता है बिल्कुल शार्प होता है और नीचे गेने जो ब्लर हो जाते हैं, कितना अफेक्टिव लगता है, वो फोटो जो होता है सिंगल फोकस में होता है तभी अच्छा आता है। तो यदि आपकी प्रैक्टिस अच्छी सी रहेगी तो आप हमेशा सिंगल फोकस को यूज करेंगे, ज़्यादा बेटर आपकी क्वालिटी बनेगी और फोटोग्राफी बहुत अच्छी कर पाएंगे। इसके बाद तो सब फोटोग्राफर जानते हैं कि आपको करना क्या है, उसके बाद का जो चीज़ होता है वो आपका एंगल, जो आप अभी से तय कर लेंगे तो आपको
फोटो बहुत बेस्ट बनेगी। यदि आपने बहुत अच्छा फोटो क्लिक कर दिया तो डेफिनेटली वो फोटो यहाँ स्क्रीन पर लगेगा और आपकी प्रशंसा सारे फोटोग्राफर के बीच में होगी कि आपने वाकई में वो फोटो क्लिक किया। यहाँ पर जो भी डेमो चल रहे ना वो सक्सेसफुल फोटोग्राफरों के जिनको 8-10 साल 15-15 साल के एक्सपीरियंस है। दिनेश जी सर आए हैं, उन्होंने बहुत सारे सिनेमेटिक शॉट किए हैं, बहुत ज्यादा अच्छी क्रिएटिविटी हमें बताई कि आप कोई से भी कैमरे से किसी भी तरह से काम कर सकते हैं। दिनेश जी भी आपको बताएंगे कल यहाँ पर 25-30 फोटोग्राफर के पास कैमरे थे, बाकी सब ने मोबाइल से शूट करा कैमरे नहीं लेके आए थे। दिनेश जी का जो एंगल था उसमें बात ही कुछ अलग थी कि भैया आपको 5 मिनट का रेंबो हुआ था लेकिन उन्होंने 15 मिनट की निकाल दी थी, मतलब कि मेहनत उनका बहुत कम करना पड़ेगी और आप आउटपुट भी बहुत अच्छा निकालेंगे। दिनेश जी हमें कुछ बताएंगे सर। भैया आप सभी को नमस्कार और बहुत बहुत बधाई अमित भैया को, सारी टीम को और आप सबको धन्यवाद। आप हमारा एक छोटी सी बात है, यहाँ बैठे आप सभी लोग फोटोग्राफर भाई लोग हैं, ठीक है। आज एक छोटा सा दंगल करते हैं कि मोबाइल से अगर हमारे पास हाथ में कैमरा है हम कोशिश करेंगे मोबाइल से शूट नहीं करेंगे, ठीक है। अपने कैमरे को महत्व देंगे अपने।